और हम मौजूद हैं हमारे द वन एंड ओनली चहीते और बहुत ही अच्छे हैंडसम और क्या ब्यूटी मैन डॉक्टर खुर्रम। भाई मैं तो बस खुशी के मारे, पहले तो खुशबू है खाने की, अब समझे ये चीजें देखे मैं तो बिल्कुल ही, आज तो लग रहा है कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन अच्छा है आपका सेगमेंट शुरू हुआ, और ये वैसे बड़ा अच्छा होता है खाने के टाइम बरकत। हाँ आपका सेगमेंट शुरू हो गया और आप बातें कीजिए, हम खाना खाते हैं। चुपचाप नहीं 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 साथ खाने के बीच में वैसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कॉलर कौन है जल्दी से बता दें। मिसेज आसिफ अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए जी डॉक्टर साहब से। जी सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम कैसे हैं डॉक्टर? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए महबूब भाई के आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी डिश जो आज बनाई है। वाकई सही कह रही है बिल्कुल। और निदा का सबसे अच्छा स्टाइल आपको कौन सा लगता है? जो रेड कपड़े पहने थे। रेड कपड़े पहने थे, अब आप वही करके आइएगा। रोज रेड पहन के जी। और आप अपने लिए नहीं पूछ रहे? अपने लिए मेरा तो आप जो कह दें, ये इनको पता है कि रोज इनका स्टाइल अच्छा है। अच्छा अरे थैंक यू, हमेशा अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। अच्छा डॉक्टर मेरा सवाल है। जी जी बिल्कुल। मेरा बेटा है 10 साल का जी, तो उसकी हाथों में ना सर्दी की वजह से ब्लैक ब्लैक जो निशान पड़ गए ना, बिल्कुल समझ गया। जलन भी होती है डॉक्टर जी। अरे मैडम बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा एक और जो ना मेरी कजन है जी जी, उनकी ना छोटे छोटे दाने निकलते पूरे जिस्म पर। अच्छा डॉक्टर होती जो ना फोड़े बन जाते हैं ना, फोड़े बन जाते हैं बिल्कुल, पानी भर जाता है। अरे बेफिक्र वो फिर पड़ता है तो फिर निशान पड़ जाते हैं। अच्छा मैं एक छोटा सा बेटे के लिए बता दीजिए। अरे देखिए मैडम पहले ये देखिएगा बेटे के हाथ, देखिएगा कि उनके हाथ जो है इस तरह से उनके थोड़े हल्के हल्के दाने आ जाते हैं हाथों पे। जी डॉक्टर बिल्कुल। अच्छा और जो उनकी टांगों पे आते हैं बहन के दोनों हाथों पे और पैरों पे आते हैं बच्चे के ना, उस पे निशान पड़ जाते हैं जो सर्दी की वजह से देखिएगा जलन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये देखिएगा, ये देखिएगा डॉक्टर अपने प्रोग्राम टाइम बढ़ाइए प्लीज। अभी टाइम बढ़ा रहे हैं आप, बेफिक्र रहिए। ये आप देख रहे हैं, ये देख रही हैं आप? जी डॉक्टर बिल्कुल। मैडम मैं बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ ठीक है, बेफिक्र रहिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जिस किसी को भी एलर्जी है, खासतौर पर मैडम अभी कह रही थी, अच्छा बच्चों को है बड़ों को है, आपको क्या करना है कि एक बड़ा मग आप माल्ट यानी कि वो जो जौ का पानी होता है, जौ का पानी उसके अंदर आप डालेंगे एक अदरक, 3 से 4 मतलब हैंडफुल करके उसमें आप डालिएगा गुलाब की पत्तियां, 1 चमचा केवड़ा और 1 चमचा ब्राउन शक्कर या 1 चमचा शहद, जौ का पानी ठीक है नीम गर्म, उसके अंदर आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, थोड़ा सा 1 चमचा केवड़ा, ब्राउन शक्कर या हनी और थोड़ा सा आप उस पर अदरक ऐड करके रोजाना पिलाएं। और एक क्रीम बड़ी अच्छी बता रहा हूँ कि जिस किसी के भी हाथों में पैरों में जहाँ पे आपकी एलर्जी हो गई है, जहाँ पे दानों के निशान है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी एक क्रीम है। आप इसको लगाएंगे, देखिए किस तरह से फर्क पड़ेगा। आप या तो ले लें घर में, जैसे अगर आप छोटे शहर में गाँव में छाछ जो होती है या बटर मिल्क भी उसको कहते हैं, छाछ में आप 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा पेट्रोलियम जेली, 1 चमचा इमल्सिफाइंग वैक्स और थोड़ा सा उसके अंदर बीटा मेथासोन क्रीम, थोड़ा सा क्वांटिटी इक्वल बनाने के लिए, छाछ 1 चमचा छाछ ठीक है, 1 चमचा थोड़ा सा उसकी पिंच हल्दी, थोड़ी सी उसके अंदर आप डालेंगे इमल्सिफाइंग वैक्स, थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली और बीटा मेथासोन क्रीम, जहां जहां एलर्जी आप वहां लगाएं। और भांजी के लिए मैडम कह रही थी, बच्चे के लिए तो आप एक काम कीजिएगा कि वो 10 ईयर्स का है, उसको एक चमचा एक्टिडिल ACTIDIL, एक चमचा छोटा चमचा शरबत ये पिलाइएगा। और बहन के लिए क्या करना है कि उनको एक गोली आप फेक्सोफेनिडिन FEXOFENADIN एक गोली रात में खाने के बाद बहुत जल्दी नतीजा आएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है महविश, मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा हेलो 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 सलामकुम मिस महविश, कैसी हैं आप? हाँ जी जी क्या हाल है, आप हमारे साथ खाना खा रही है ना? हाँ मजे से खा रही है, महबूब भाई के हाथ के जादू आपके घर तक आ रहे हैं। आप ये देखिए कि मेरा बेटा है और वो कहता है 20 साल का है, तो मैं जब मैं कुकिंग शो देख रही होती हूँ तो कहता है अम्मा पकाती कुछ भी नहीं होती, अम्मा पकाती कुछ भी नहीं होती, मैं तो शहर महबूब को देख रही हूँ। वो बैठे हुए आपके सामने, बिल्कुल मैडम सर मैं ये कहना चाहती हूँ शेफ महबूब से कि आप जो खाने के दरमियान में इंफॉर्मेशन देते हैं ना, जैसे आज नेता ने हल्दी के बारे में दी और उस बारे में मैं कहती हूँ कि आप थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया करें। ठीक इंशाल्लाह धन्यवाद। हेलो
डॉक्टर साहब से बात करेंगे? चली गई हसन, हमारे मुंह में निवाला है, बोल नहीं सकते थे। अच्छा रोशीन है, रावलपिंडी से। हेलो रोशीन। वालेकुम अस्सलाम, बात करो डॉक्टर खुर्रम से। जी मैं सर, में खुश्की बहुत ज्यादा है, डेंजरस। जी अच्छा मिस रोशन, से पड़े हुए उनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजरस है। अच्छा मिस रोशन, एक मुझे दो सवाल के जवाब दीजिएगा। एक तो आपकी एज कितनी है? मेरे हस्बैंड के सर में है। अच्छा हस्बैंड के सर, उनकी एज कितनी है तकरीबन? उनकी 32 है। 32 है, अच्छा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का काम या ज़हनी दबाव का काम तो नहीं करते हैं? बहुत नहीं, थोड़ा बहुत रूटीन में जो होता है स्ट्रेस जॉब का। अच्छा, बिल्कुल कोई स्पेशल स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइएगा कि उनकी फैमिली में तो ये नहीं रन करता थोड़ा सा? नहीं नहीं, फैमिली में नहीं है। अच्छा और ये जो बाल भी कम है सर में? बिल्कुल ठीक है, क्लियर नजर आती है। अच्छा बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अच्छा और जो डैंड्रफ है वो फ्लेक्स है, छिलके छिलके हैं या पूरी लेयर है? नहीं नहीं, छिलके छिलके जैसे वो साफ नजर आती है बालों के ऊपर। जी अच्छा अच्छा, मैं आपको बड़ी एक ये देखिएगा, एक और क्वेश्चन भी करना था। जी पूछे, बड़े पहले ये देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, इस तरह से है? मुझे क्लियर नजर नहीं आ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसका बड़ा अच्छा आपको हल बताता हूँ। अच्छा और दूसरा पूछिएगा। और दूसरा, मेरे बालों की ग्रोथ इतनी नहीं है और ना बहुत गिर रहे हैं बाल, कर्ली बाल हैं और इतनी ग्रोथ नहीं है और बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक ड्रिंक बता रहा हूँ जिसको पीने से आपके बहुत जल्दी बालों की ग्रोथ तेज आएगी। अच्छा उसके अलावा एक आप काम कीजिएगा, आप रेड जिंसेंग तो आप रोजाना शुरू कर दें। रेड जिंसेंग या रशियन जिंसेंग होती है, मल्टीविटामिन, रेड जिंसेंग, ठीक है? अच्छा और बाल मैं बिल्कुल रेड जिंसिंग अब एक ही पोटेंसी में आती है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप आराम से ले सकती है ना, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा जो डैंड्रफ हस्बैंड की आपकी हो रही है उनके लिए क्या करना है, आपको एक एंटी फंगल टैबलेट उनको 14 दिन तक बिला नागा खिलानी है। एक आध दिन स्किप कर जाए तो नो प्रॉब्लम। एंटी फंगल जैसे कि ग्राइसोफुल्विन ये जड़ से गायब करेगी। आपको एक टेबलेट उनको रोजाना दीजिएगा 14 दिन तक नाश्ते के बाद, वरना नौजिया होता है। और एक अच्छा सा आप उनको तेल बना के लगाइएगा, अलसी का तेल, फ्लैक्सीड होता है, उसमें आप थोड़ा सा आप डालिएगा तार कहते हैं या पाइन टार होता है, थोड़ा सा उसका लोशन डालिएगा, अच्छी तरह से मसाज करके रात को पूरे सर पे लगा दें, सुबह को पाइन टार शैम्पू से बाल धोइएगा और सोते हुए रात को एक टैबलेट लिवोसिट्रिजिन, बिल्कुल जड़ से ये गायब हो जाएंगे। और ग्रोथ के लिए आप जिंसिंग स्टार्ट करें। और एक तेल मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ, मगर प्लीज 6 महीने के बच्चों को ना लगाएं। कल एक खातून ने लगा दिया था 6 महीने के बच्चे के, अब वो तो उनकी ग्रोथ के लिए ना लगाएं, बहुत नहीं वो परेशान हो गई। उसके लिए क्या करना है, आपको नारियल का तेल लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पहले बताया कि रुमाल के साइज की टाट की बोरी जला के लहसुन अदरक का एक एक पीस, एक डंडा लंबे बालों के लिए बता, लंबे बालों के लिए ये आज सवाल भी किया था किसी ने। अच्छा उसमें अंदर एक मुलैठी का डंठल, थोड़ी सी आप क्रीम डाल लीजिएगा बीटा मेथासोन जो मैंने पहले बताया, 5 ग्राम डाल के मिक्स कीजिएगा, एक मुट्ठी बादाम 24 घंटे धूप में रखिए, सेकंड डे से आप बालों में मालिश करें, जिंसेंग खाइएगा, टेबलेट कंटेनिंग कॉपर खाइएगा। मैंने सोचा है इनका जो सेगमेंट है ना ये रात को रिकॉर्ड करके ना स्लो मोशन में तो ये फिर नॉर्मल पेस होगी। और इनका कसूर नहीं है, 15 मिनट के सेगमेंट में बोछाड़ होती है सवालों की, सबको एंटरटेन करना पड़ता है। कल आपने इनको 16 मिनट दिए थे ना? अच्छा चलो दोबारा हम आपको दफा कर देंगे, ठीक है? 16 करवा दें, 16.5 तो होना चाहिए। अच्छा अभी कौन कॉलर है, क्या नाम है? मदिया। मदिया अस्सलाम वालेकुम। हेलो मदिया। जी पहले तो तुम ये टीवी की आवाज कम करो। हेलो। हाँ जल्दी कम करो, वो और तेज बोलेंगे नहीं तो। जी हाँ मदिया अब बोलो सवाल क्या था। क्या कहते हैं, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। जिससे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है डॉक्टर खुर्रम की वजह से। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। जी बोले जी बिल्कुल बोलिए। मुझे बात करनी थी जी जी कि मेरी एज है 22 और मेरा वेट 70 kg है। ठीक है 70 kg वेट है मेरा। बिल्कुल। तो मुझे ये पूछना था कि मुझे अपना वेट, असल में मैंने इसकी वेट लूज करने के लिए टैबलेट्स वगैरह भी कुछ लिए हैं। बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन ना कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं होगा। टैबलेट यूज मैं करती रहती थी जब तक तो सही था, वेट मेरा सही हो जाता था, 50 तक पहुँच जाता था एवरेज, लेकिन जैसे ही मैं टैबलेट छोड़ती हूँ वैसे ही डबल हो जाता है, दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ ना। मेरा ये मसला है कि ये क्या कहते हैं जो चीक्स है ना बहुत ज्यादा भर जाते हैं, डबल चिन हो जाती है और इस तरह से ना बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हूँ फौरन से ना मैं। हालांकि काफी कुछ मैं करती रहती हूँ, टिप्स यूज करती रहती हूँ।
तो बिल्कुल कोई आप बिल्कुल कोई टिप यूज मत करना, जब मैं आपको बता रहा हूँ क्रीम लगाना, और एक बड़ा अच्छा सा टैबलेट बता रहा हूँ ठीक है, वो खाना और देखना कितनी दो हफ्ते में कम होना शुरू हो जाएगा, खाने को मेंटेन करना ठीक है, और हमें दो हफ्ते में बताना ठीक है। बहुत सिंपल सा, आपको क्या करना है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो महबूब भाई जैसे टिप्स देते हैं वो है, निदा करती रहती है उसके लिए, एक तो हर चीज ब्राउन होगी घर में, शक्कर आटा चावल ब्राउन होगा, सुबह को आप नाश्ते से पहले एक बड़ा ग्लास जो लस्सी का होता है ठीक है, एक बड़ा ग्लास जो होता है लस्सी मत पीजिएगा, उसमें एक ग्लास नीम गर्म पानी में एक पूरा लेमन स्क्वीज करके, एक बड़ा चमचा सफेद सिरका, दो चमचे असबगोल हस्क, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मुलेठी और थोड़े से उसमें लाल मिर्च, ये डाल के आप पी जाएं ठीक है। सुबह शाम आपको क्या करना है कि आपको एक कप रोजाना पीना है, उसमें आपको थोड़ा सा टेबेस्को डालना है ठीक है, एक कप टोमेटो जूस पीना है सुबह शाम, उसके साथ टेबेस्को और ब्लैक पेपर ये पीजिएगा, चिली सॉस डाल लें, बिल्कुल चिली सॉस डाल लें और ब्लैक पेपर डाल लें, रोजाना ये पीजिएगा। अच्छा, रात को सोते हुए आपको कोशिश ये करना है कि शरबत उनाब का एक बड़ा चमचा होगा, और रात को जो आप खाना खाएंगे सोने से कम अज कम दो घंटे पहले। अच्छा, जहां भी आपके डबल चिन या लव हैंडल्स या थाइज लड़कियों के मोटे हो रही है तो उनको क्या, एक तो च्युइंगम खाए ठीक है, और दूसरा क्या करना है कि आपको ये चार छह चीजें मिला के अगर आप लगाएंगी तो बिल्कुल जल्दी आपका लेवल में आएगा। ऊपर से मलमल का दुपट्टा बांधना है, पांच चमचे सनफ्लावर ऑयल, आधा चमचा बोरेक्स क्रीम, एक चमचा ग्लिसरीन, छह से आठ चमचे मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर, तो उसके अंदर ऐड कीजिएगा इमल्सिफाइंग वैक्स, बीज वैक्स और लेनोलेन, बीज वैक्स, इमल्सिफाइंग वैक्स, लेनोलेन, सनफ्लावर ऑयल के दुपट्टे क्या करना है मैं बताता हूँ, पेट पे बांधना है नहीं, मैं बताता हूँ बीज वैक्स, लैनोलेन, इमल्सिफाइंग वैक्स, ग्लिसरीन, सनफ्लावर ऑयल और पानी मिला के पेस्ट बना के पेट पे लगाएं और ऊपर से मलमल का दुपट्टा बांध। अच्छा, मानो हमारे साथ है, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। जी मानो, अस्सलाम वालेकुम। बानो तुम किधर गई? मानो मेरे ख्याल से तेल, बानो तेल का भी नाम है ना, वो तेल बनाने के लिए बानो बनास्पति। क्या हो गया? अच्छा, अब हम प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं ठीक है। जाने से पहले एपेटाइजर, वो सॉरी डिजर्ट, कल की जबरदस्त जो व्यूअर्स को पता ना हो, कल हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का लज़ानिया। कल हमारी ईद है, अयशी होने वाली है कल, हमें तो यिप्पी करना चाहिए, नारा लगेगा कल यिप्पी का। जाते जाते एक बात आपसे कहूंगी कि अगर आप जेलिसी का सब्जेक्ट है तो फिर आप फेलियर होंगे, लेकिन अगर आप जेलिसी का ऑब्जेक्ट है तो फिर आप कामयाब होंगे। इसका मतलब क्या है, आप दुनिया में कामयाब हैं, लोग आपसे जल रहे हैं, अगर आप किसी से जलेंगे तो फिर आपने कहीं आगे नहीं निकलना, उधर ही रह जाना है, लेकिन अगर आपसे लोग जलेंगे तो समझ जाएं। एक और बड़ा अच्छा कॉल है हजरत अली का करमुला, जो उनका कॉल है, अंग्रेजी में मैंने किताब में पढ़ा था, गॉड डज नॉट टेल यू टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, ही ओनली टेल्स यू टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, ठीक है ना। ये बड़ी जरा इन ये कुछ ऐसे अकवाल है जिनसे इंसान के को फील करे, इससे कुछ सीखे तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल जी, इन्हीं फायदे भरी बातों के साथ हम आपको खुदा हाफिज करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर खुर्रम, शेख महबूब और निदा यासी की तरफ से अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात होगी चिकन टिक्का लज़ानिया के साथ। देखते रहिए ज़ौक ज़िंदगी।